हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन के पूरे अपडेट के बारे में, और इस वीडियो में सबसे बड़ा अपडेट है एवेंजर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले फॉक्स कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया कि वो एलियन के ऊपर एक और नई मूवी बनाने वाले हैं, और इन फ्यूचर हमें एक और मूवी दिखने वाली है। उसके बाद एकेडमी अवार्ड्स होने वाले हैं आगे, देन उसमें जोस ब्रोलिन पोस्ट करने वाले हैं, यानी कि थैनोस। तो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं जोस ब्रोलिन। उसके बाद कैप्टन मार्वल की अपकमिंग मूवी, उसमें एक कैट है जो कि काफी लोग उसे नॉर्मल बिल्ली समझ रहे हैं, बट वो एक एलियन स्पीशीज है, आप उसे कैट ना समझे। आपको मूवी देख के पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद सैमुअल जैक्सन ने ये कंफर्म कर दिया कि उनका फेवरेट एवेंजर ब्लैक विडो है, यानी कि मेरा भी फेवरेट, आप लोगों का भी फेवरेट और सैमुअल जैक्सन का भी फेवरेट। और फाइनली अपकमिंग कैप्टन मार्वल मूवी में हमें हाइड्रा और प्लस ट्रेसरेट क्यूब के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, यानी कि छोटे से ईस्टर एग देखने को मिलेंगे। उसके बाद डिज्नी में फाइनली कंफर्म हो चुका है एंटवेन द वास का बिहाइंड द सीन, और देन काफी सारी चीजें ऐड करी गई हैं, देन काफी सारी इमेजेस भी हैं जो मेरे फेसबुक पेज पर डली हुई हैं। देन उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा अपडेट, फाइनली ऑस्कर अवार्ड होने वाले हैं, अभी कोई होस्ट करने के लिए मिला नहीं है। देन उसमें सारे एवेंजर एंड गेम की कास्ट आएंगी, असेंबल होंगी और एक साथ एवेंजर एंड गेम को प्रमोट करेंगी। तो इससे एक सबसे बड़ा हमें स्पॉइल मिलेगा कि उसमें कौन कौन सी कास्ट है, यानी कि नई और पुरानी दोनों। तो बहुत बड़ी चीज है हम फैंस के लिए। देन उसके बाद स्टार ट्रैक का चौथा पार्ट आ रहा है, जिसमें कि जॉइन दोबारा से इस मूवी को ज्वाइन करने वाले हैं, देन वो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि डिज्नी कंपनी एक और पार्ट बनाएगी मैरी पॉपिंस का। अभी हाल ही में मैरी पॉपिंस 2 रिलीज हुई है, देन उसके बाद मैरी पॉपिंस 3 भी आएगी इन फ्यूचर, डिज्नी ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है। उसके बाद रूमर्स चल रहे हैं कि मॉर्टल कॉम्बैट के ऊपर इन फ्यूचर एक एनिमेशन मूवी आ सकती है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, बट एक रूमर है, और मॉर्टल कॉम्बैट का गेम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। देन उसके बाद पिक्सल मूवी ने एक चीज अनाउंस करी अभी हाल ही में कि एक वो प्रोग्राम के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, यानी कि हमें एक एनिमेशन शॉर्ट फिल्म देखने को मिल सकती है पिक्सल के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी है। देन उसके बाद कैप्टन मार्वल के कुछ बिहाइंड द सीन रिलीज हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज पे और भी पड़े हैं, काफी अच्छे बिहाइंड द सीन्स हैं। देन उसके बाद अभी कैप्टन मार्वल की सेल हुई थी काफी ज्यादा टिकट्स की, जो कि 24 घंटे में वो टॉप नंबर 3 में आती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा टिकट बिकने वाली कैप्टन मार्वल मूवी। देन उसके बाद हमारा आयरन मैन का लीगो सेट रिलीज हुआ है, यानी कि छोटा सा जिसमें वो व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है और ब्लू और रेड, देन ये हेलमेट काफी अच्छा लग रहा है, तो सूट तो काफी कमाल का है। और अभी हाल ही में मैंने एक डोरेमोन की नई मूवी अपलोड करी है, जिसका नाम है अंतरिक्ष के डाकू। तो ये ब्लू रे ऑफिस 720 पिक्सल में है, जो कि मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, काफी अच्छी मूवी है। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर बंडर वुमन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।